यूं तो टीवी इंडस्ट्री के सितारे अपने अपने सीरियल्स में अपने हर किरदार से दर्शकों के बीच में फेमस हुए हैं, चाहे वो एक प्रेमी का किरदार हो या जीवन साथी का। इसी के साथ इन सितारों ने अपने सीरियल्स में एक अच्छे ब्रदर और सिस्टर के किरदार को दर्शकों के सामने पेश किया था, जो हमेशा अपने भाई बहन को बचाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि छोटे पर्दे पर कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने अपने सीरियल्स में तो भाई बहन का अच्छा रिश्ता निभाया, पर वहीं सितारे असल जिंदगी में एक दूसरे को डेट करके एक दूसरे के हमसफर बन गए थे। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी सीरियल्स में भाई बहन के किरदार में नजर आए कुछ कलाकारों से मिलवाने वाले हैं, जो रियल लाइफ में एक दूसरे के पार्टनर बन गए थे। चलिए मिलते हैं इन सभी कलाकारों से। नंबर वन, अविनाश सचदेव और शर्मली देसाई। दोस्तों, अगर आपने अविनाश सचदेव और श्रेणु पारेख स्टार सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं फिर से देखा होगा, तो इसमें अविनाश अभिनेत्री शर्मली देसाई के साथ दिखे थे, जो इस सीरियल में इनकी बड़ी भाभी के रूप में दिखाई दी थी। पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अविनाश का इनके ही ऑन स्क्रीन भाभी सम्मान बहन शर्मली से अफेयर हुआ था, जहां पर शो खत्म होने के बाद इन्होंने साल 2015 में शादी कर ली थी। लेकिन शादी के दो साल बाद ही, यानी कि साल 2017 को, आपसी मतभेद की वजह से इन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया था, जिसके बाद ये अब अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। नंबर टू, चारू आसोपा और नीरज मालवीय। जी हाँ, इस लिस्ट में अभिनेत्री चारू आसोपा और नीरज मालवीय का भी नाम शुमार होता है, जो साल 2015 में स्टार प्लस के मेरे अंगने में सीरियल में ऑन स्क्रीन भाई बहन का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। लेकिन शो के दौरान बढ़ती नजदीकियों के चलते ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और साल 2016 को इन्होंने सगाई भी कर ली थी और उसी साल शादी भी करने वाले थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तभी तो इन दोनों ऑन स्क्रीन भाई बहन ने अपना प्रेमी प्रेमिका वाला जोड़ा भी तोड़ लिया था। नंबर थ्री, किरण कर्माकर और रिंकू धवन। टीवी इंडस्ट्री के सबसे पुराने सीरियल कहानी घर घर की में दिखाई दिए थे अभिनेता किरण कर्माकर और एक्ट्रेस रिंकू धवन, जिन्होंने इस शो में ओमकार और छाया नाम के प्यारे भाई बहन का किरदार निभाया था। पर साल 2000 में आए इस शो में ये दोनों भाई बहन जरूर बने थे, लेकिन इनके बीच में डेटिंग शेटिंग भी होने लगी थी, जिसके चलते साल 2002 में इन्होंने साथ फेरे ले लिए थे। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब इन्होंने शादी के 15 साल बाद, यानी कि साल 2017 को, आपसी मंजूरी से तलाक ले लिया, तो इनके इस लंबे शादी वाले तलाक को जानकर टीवी इंडस्ट्री में हर बंदा हैरान रह गया था। नंबर फोर, अभिषेक वर्मा अदिति भाटिया। वैसे भाई बहन की खूबसूरत जोड़ी की बात हो रही हो और उसमें ये है मोहब्बतें के आदित्य और रूही का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो इस सीरियल में एक दूसरे के शिवलिंग थे। लेकिन ये जब दोनों शो में काम कर रहे थे, तब इनके रिलेशनशिप की खबरें भी मीडिया में सामने आई थी, मगर अभी कुछ ही समय बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, जिसके बाद इन दोनों ने ही अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दूसरे को फॉलो बैक करना बंद कर दिया है। पर कभी भाई बहन बनकर तो भी रियल लाइफ कपल बनकर इन दोनों ही सितारों ने मीडिया और पब्लिक में बहुत सारी लाइमलाइट बटोरी है। नंबर फाइव, रोहन मेहरा और कांची सिंह। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नक्श बने एक्टर रोहन मेहरा ने अपनी ऑन स्क्रीन बहन गायू यानी कि कांची सिंह को पूरे 5 साल तक डेट किया था। पर साल 2020 में ऐसी खबरें भी आई थी कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करके हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि इन दोनों रियल लाइफ कपल ने एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लिया था, जिसके बाद अब कांची सिंह और रोहन मेहरा अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी सितारों में से किस ऑन स्क्रीन भाई बहन की जोड़ी पर्सनल लाइफ में एक परफेक्ट कपल की लगती ही थी, आप उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।